हाय गाइस, वेलकम टू टुडे साउथ, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में। कई लोगों ने ये कहा कि विजय ने इतनी बड़ी मुश्किल में देश का साथ नहीं दिया। उनका कहना था कि पैसा होने के बावजूद विजय इतनी बड़ी मुश्किल में किसी भी गरीब के मदद के लिए आगे नहीं आए। और जब विजय ने ये अनाउंस किया कि उन्होंने एक फंड निकाला है जिसका नाम था मिडिल क्लास फंड, ताकि वो मिडिल क्लास लोगों को राशन का और कुछ जरूरी सामान प्रोवाइड कर सके, तो ये सुनकर लोग काफी सरप्राइज हुए। उन्होंने इस चैरिटी की मदद के लिए काफी हेल्प की है। इसके साथ साथ वो पुलिस और गवर्नमेंट के साथ भी अवेयरनेस प्रोग्राम में दिखे, जहाँ पे कुछ फेक वेबसाइट्स ने उनका एक फेक ट्रस्ट भी बनाया था जिसका नाम था द देवरकोंडा फाउंडेशन। इसके अगेंस्ट विजय ने रिएक्ट भी किया। यही नहीं, उनके साथ मेगा स्टार चिरंजीवी और महेश बाबू भी साथ में नजर आए। उन्होंने भी विजय का साथ देते हुए कहा कि ये इस तरह की न्यूज पूरी तरह से गलत है और इसे तुरंत बंद करना चाहिए। विजय भी हेल्प के लिए आगे आ चुके हैं। माना जा रहा है कि विजय सोशल मीडिया साइट्स पे ज्यादा एक्टिव नहीं होते। अर्जुन रेड्डी के स्टार ने सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के मैसेज शेयर करना बंद कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। वो अपनी जिंदगी आराम से अपने घर में बिता रहे हैं। करियर की अगर बात करें तो विजय जगन्नाथ की फिल्म फाइटर में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी उनके साथ नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी लेकिन क्राइसिस की वजह से रोक दी गई है। जल्द ही फिल्म की शूटिंग दोबारा स्टार्ट होने की संभावना है। फिल्म से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।